तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देखा तो आपको इस वीडियो में से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहां से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। देखिएगा आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा हूबहू इसी प्रकार का होगा जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो। तो ध्यानपूर्वक आप सभी को यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखना है ताकि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हूबहू इसी प्रकार का होगा जैसा कि आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहां से पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। तो देखिएगा आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखना होगा, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये समझ में आ पाएगा, अन्यथा दोस्तों आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाएंगे और उसका सोल्यूशन आपको कैसे बना लेना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको यहाँ से देख लेंगे और नोट कर लेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ से दोस्तों आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है अच्छे से और इसको तैयार कर लेना है। सेक्शन ए में दोस्तों पैसेज आपसे पूछा जाएगा, आप सभी लोग इस पैसेज को पढ़ लेंगे पूरी तरह से और देखिएगा दोस्तों यहाँ से कुल टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पैसेज में से। तो सभी को दोस्तों इस पैसेज को बड़े ही ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेना है ताकि दोस्तों आप सब लोग इसको तैयार कर सकें। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, विच आर टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो देखिएगा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी नंबर का हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें, ये वाला दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी नंबर का हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दोस्तों आपका सी नंबर का हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, द डायग्नोस द नेचर ऑफ द पेशेंट इज इलनेस। तो यहाँ से आपको दोस्तों ये याद कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर भी दोस्तों आपका डी नंबर का हो जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, गेस का राइट आंसर है व्हाट इज़ द बेसिक लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। देखिएगा कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर को तब जाके वो कार्य करने में सक्षम होता है जब हम उसको निर्देशित करते हैं। अगला फाइंड एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डिसेबल, डिसेबल का उल्टा क्या हो जाएगा ये आपको बताना। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, इनेबल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है अल्टरनेट, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है अल्टरनेट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है 6 के बाद में, तो 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप लोग देख सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए नंबर का हो जाएगा, इन फ्यूचर माई इनेबल ह्यूमन बीइंग्स टू एंजॉय मोर लेजर देन देर टू डे। तो देखिएगा यहाँ से आपको दोस्तों ये वाला राइट आंसर कर लेना है ऑटोमेशन। और उसी के अलावा अगला सर लियोन बागी
बेगरिट सेड डेट इज फ्यूचर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका बी नंबर का आ जाएगा। आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे इसको, कंप्यूटर वाला ये वाला। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दोस्तों आपका ये आ जाएगा रिलीव्ड, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस आधार पर दोस्तों आपको इन क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन बना लेना है, आप सब लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और उसी के अलावा अगर दोस्तों आगे देखा जाए तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में एक नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। अगर दोस्तों आपको नोट मेकिंग समरी बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी दोस्तों नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख सकते हो। या आपको दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन मिल जाएगी, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख सकते हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में से क्या क्या आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ से, तो देखिएगा पहला नंबर पे जो दिया गया है, आसिमा इज गोइंग अब्रॉड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट 5 ईयर्स, सी वांट टू सेल हर रेफ्रिजरेटर एलसीडी टीवी डबल बेड एंड अलमीरा, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 15 वर्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन द हाउसिंग सोसाइटी नोटिस बोर्ड। तो देखिएगा आपको क्या करना है, एक विज्ञापन बनाना है। तो ये तो दोस्तों आपने सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है, और वहाँ पर दोस्तों आपको एक वीडियो मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगी पहले इंग्लिश ग्रामर करके, उसको आपको खोल लेना है। और वहाँ पर आपको फिर एक वीडियो नज़र आएगा आपका पोस्टर के ऊपर, आप लोग उसको ज़रूर देख लें, वहाँ से दोस्तों आप इस पोस्टर को आसानी से बनाना सीख सकते हो। चलिएगा आगे देखा जाए, देखिएगा दोस्तों ये आपसे सेवट्री का पोस्टर भी पूछा गया है, ऊपर वाला विज्ञापन था आपका। ये सभी दोस्तों ऊपर जो मैंने बताया है उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। और उसी के आगे दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, यू आर आनंद कुमार मिश्रा ए रेसिडेंट ऑफ प्रीति विहार छतरपुर, राइट द लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टेलिंग हिम नॉइसेंस अबाउट ऑफ द लाउंड स्पीकर। तो देखिएगा दोस्तों लाउंड स्पीकर की एप्लीकेशन और वंडर ऑफ साइंस का निबंध, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के अंत में आपको एक एंड स्क्रीन मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों सारे अंग्रेजी के वीडियो ज़रूर वहां से देख लें। आप सभी के लिए दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग वहां से उसको ज़रूर देख लें, और सारी की सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दोस्तों आपको वहीं पर दिखाया गया है। और आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा जाएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 200 वर्ड, यानी कि इन टॉपिक के ऊपर आपको 200 शब्दों में उत्तर लिखना है, यानी कि आपको एक तरह से आर्टिकल लिखना है, तो आप लिखना सीख लें इसको। और दोस्तों आगे यहाँ से आपसे सेक्शन सी में ग्रामर पूछी जाएगी, बड़े ही सरल प्रकार की ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है इस बात को लेकर। आपके दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देखा पूरा तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि आपके 80 में से 80 नंबर आने चाहिए पूरे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है हिज ब्रदर इज, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको क्या कर लेना है, तो इसमें से आपको कर लेना एन, हिज ब्रदर इज एन MLA। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर डेविड इज ए रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। अगला लिखा है अनिल इज सिटिंग कपिल एंड अजय, तो देखिएगा दोस्तों इसमें से आपको कर लेना बिटवीन। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ही डिड नॉट बाई एनी एप्पल, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपको एनी लिख लेना है, बाई एनी एप्पल। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है चिल्ड्रन टू प्ले ऑन द सैंड लव्स या लव, तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है इसमें आपको लिख लेना लव। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 6, यू नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो देखिएगा दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना इसमें आपको कर लेना कैन, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो इस आधार पर दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और इनको तैयार कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आपसे डुअल डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो चलिएगा दोस्तों डुअल डायरेक्टेड को भी हम हल कर लेते हैं। देखिएगा अधिकतर ये वाले जो सेंटेंस होता है ना इसमें अधिकतर बच्चे गड़बड़ी करके आते हैं, बच्चों को ये जरूर दिया जाता है, आपको मैं यहीं पे भी सिखा देता हूँ, वैसे मैंने आपको डुअल डायरेक्टेड में भी सिखाया था ये, जब मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप लोग अभी इसको सीख लें। इस जगह पर बेसिकली जहाँ पे दोस्तों डिड आया है ना, ये इस डिड की जगह पर क्या क्या दिया जाता है, एक तो डिड दिया जाता है, एक डू दिया जाता है और एक डज दिया जाता है।
तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सिर्फ इसके बाद में नोट लगा देते हैं और अपने सेंटेंस को सही समझ लेते हैं, और दोस्तों ये पूरी तरह से सही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि इस जगह पर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पर आपको या तो डिड देखने को मिलेगा, डू देखने को मिलेगा या डज देखने को मिलेगा, तो इन तीनों के ही बाद में चाहे आपको जो भी मिले, जैसे कि इसमें डिड आया है, किसी में डज आएगा, किसी में डू आएगा, आपको इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। आपको सिर्फ ये करना है कि डिड, डज या डू के बाद में दोस्तों आपको नॉट डू लिख देना है। क्या लिख देना है? नॉट डू दोस्तों आपको इसके बीच में यहाँ पर लिख देना है, इसके बाद में ऐसा कैसे पूरा लिख देना है। तो चलिएगा ये कैसा बन जाएगा आपका, वो भी हम बना के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सोनिया डिड नॉट डू, सोनिया डिड नॉट डू, और इसके अलावा आगे आ जाएगा आपका हर ड्यूटी, हर ड्यूटी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। तो इसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैंगो इज सो श्योर देट आई कैन ईट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। देखिएगा टू टू कैसे लगाओगे आप, इस सो को हटा दिया और इसके जगह पे बड़ा वाला टू टी डबल ओ वाला लिख दिया, और देट आई कैन नोट तक का पूरा हटा दिया, और इसके जगह पर दोस्तों आपको छोटा वाला टू ये वाला लिख देना है, बाकी का ऐसा कैसे आपको लिख देना है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये भी बड़ा सरल पूछा गया दोस्तों। आपको अनलेस का प्रयोग करना है इफ़ के स्थान पर, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी आपको इफ को हटा देना है, इसकी जगह पर आपको अनलेस लगा देना है और डू नॉट को हटा देना है, बाकी ऐसा कैसे लिख देना है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। और आगे दोस्तों ये दिया गया है, द मेन हेड नॉट कम फॉर टू डेज, द मेन ब्रिंग्स पोटैटोज। तो देखिएगा रिलेटिव क्लोज से जोड़ना है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये द जो दोबारा से रिपीट हुआ ना, इसको हटा देना है और इसको हूँ से जोड़ देना है, हूँ मेन ब्रिंग्स पोटैटोज, तो ये इस हिसाब से बन जाएगा पूरा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, दिस न्यूज सरप्राइज्ड मी, ये न्यूज मुझे आश्चर्यचकित कर रही है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको इसके लिए क्या कर लेना है, तो मी का क्या हो जाएगा, आप आके इसको आई कर लेंगे, आई आई एम मी आगे जाके आई हो जाएगा। तो ये इस आधार पे आपको बता लेना है, देखिएगा कैसे बनाओगे आप इसको, आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज, आई एम सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड बाय दिस न्यूज, इस आधार पे बन जाएगी आपकी वॉइस। और उसी आधार पे दोस्तों आपको ये दिया गया है, आई हैड एग्जाम ए लॉट ऑफ ड्यूरिंग द टाइम। तो देखिएगा ये आपको रीअरेंज करके लिखना है, ये भी आप कर लेंगे। चलिएगा अब आगे का समझते हैं दोस्तों, आपका सेक्शन डी जो होगा उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, सेक्शन डी में पेसेज दिया गया है जो कि आपके पार्ट से ही लिया गया है, और उसमें से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और आगे क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला भी भाग में इस प्रकार के होंगे, और ये 9 का बी वाला भाग दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और आगे दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे पूरा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट। देखिएगा इन सभी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग तैयार कर लें, ये परीक्षाओं में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। आप पूरा का पूरा पेपर दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखा दिया गया, पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में ऐसा कैसे आएगा, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लें, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में बनकर आने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।